किया गया अमेरिकन्स ने कि और कि अफगानिस्तान में इसलिए वो नहीं जीत सके 17 सालों में, क्योंकि पाकिस्तान से 3-4 हज़ार इंसर्जेंट्स जाते हैं और वहाँ जाके टेररिज्म करते हैं, जिसकी वजह से 1.5 लाख नेटो फोर्स और कोई 3 लाख अफगान फौज नहीं जीत सकी। ये हमेशा हमें ब्लेम करते हैं। तो अब पाकिस्तान जो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक हालात आज तक अच्छे नहीं हैं, हम फेंसिंग कर रहे हैं बॉर्डर को। सो अगर पाकिस्तान का ये करता ये हो या उसका इंटरेस्ट होता तो बॉर्डर फेंस ना करे, जिस तरह हिंदुस्तान ने बॉर्डर फेंस किया हुआ है। हम सारा अफगान बॉर्डर अब फेंस कर रहे हैं एट ए ह्यूज कॉस्ट। सो हमारा प्रॉब्लम क्या है अफगानिस्तान? हाँ, 27 लाख अफगान रेफ्यूजीज रहते हैं अभी भी, 27 लाख, और उनकी कॉन्सेंट्रेशन है कई जगह पर। अब वहाँ मूवमेंट बैक एंड फोर्थ होती है अफगानिस्तान से, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोशिश भी की है कि हम किसी तरह रिपेट्रिएशन कर दें रेफ्यूजीज़ की, वो भी प्रॉब्लम्स है, जाना नहीं चाहते, फोर्स रिपेट्रिएशन कर नहीं सकते। इवेंचुअली पाकिस्तान अब ये फेंसिंग करने लगा है। मैं इंडिया को भी ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। ये इस वक्त पाकिस्तान के जो थॉट प्रोसेस है वो बदल चुका है, या माइंडसेट बदल गया है। हिंदुस्तान का माइंडसेट नहीं बदल रहा। वो ये इंसिस्ट के जी आप टेररिज्म ख़त्म करें तो हम ये करेंगे, ये हम उनको कह रहे हैं कि स्टेट कहते हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको रोकने के लिए। हमने अपने कानून बनाए हुए हैं, हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिल के एक नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर साइन किया हुआ है, जो कि वाजे करता है कि हम किसी आम ग्रुप को पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करने देंगे। This is about Kashmir again. The 46 years ago, soon after the Simla Agreement was signed, Indira Gandhi was asked at a press conference, "What is the way forward?" She had said that our official stance is that the whole of Jammu and Kashmir, including Azad Kashmir, is a part of India. However, if someone were to come up with a suggestion that let Azad Kashmir stay with Pakistan and let India keep J&K, I could give it a positive thought. Given the situation today that you are not going to let go of Azad Kashmir, India will not allow J&K to let go of its hold, and there is no third option, namely the Azad Kashmiris and J&K residents cannot have an independent state. So what is the solution? Why not recognize the existing line of control as an international border and throw it open and end it for good? Thanks. ये फोरम नहीं है डिस्कस करने का कि कश्मीर की क्या सलूशन है। मैं तो ये नहीं कहता कि कोई आसान सलूशन है। अगर 70 साल में हम सलूशन पे नहीं पहुंचे तो ऑब्वियसली इसके अंदर है जो दोनों हुकूमतों के लिए मुश्किल है माननी, जो दोनों एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं, दोनों के लिए स्वॉलो करना मुश्किल है। लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन तब निकलेगी जब आप डायलॉग पे बैठेंगे। और जहाँ तक मुझे अभी भी याद है कि हमारे उस वक़्त दो फॉरेन मिनिस्टर एक्स रह चुके थे जो पीटीआई में थे, और मैं खुद नटवर सिंह बैठे हुए थे और बीजेपी के जो तब उस वक्त के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे वाजपेयी, वो बैठे हुए थे और मैंने उनसे मीटिंग की दिल्ली के अंदर, और मुझे वाज़े तौर पे याद है कि वो रिग्रेट कर रहे थे कि वो अगर वो इलेक्शन ना हारते नटवर सिंह और वाजपेयी, तो वो कहते हम इतने करीब आ गए थे कश्मीर की सोल्यूशन की, मुशर्रफ का दौर था। तो कोई तो बात हुई होगी जो इतने करीब पहुँच गए, जो मुशर्रफ एक मिलिट्री डिक्टेटर को भी एक्सेप्टेबल था और उनको भी था। तो ये फोरम नहीं है कि क्या होना चाहिए, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर हम ये अपने बड़े सगीर के लोगों को ये बता दें, और ये ड्रीम है, ये बड़ी ड्रीम है, क्योंकि इसमें थोड़ा इमेजिनेशन की ज़रूरत है कि ये पीस के डिविडेंड्स इतने ज़्यादा हैं, हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़्यादा डिविडेंड्स हैं, पाकिस्तान मैं फ्रांस और जर्मनी की इसलिए मिसाल देता हूँ कि दोनों मुल्कों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर चलेगी जब उनकी ट्रेड खुली।
तो वो भी यहाँ भी होगा। सारी दुनिया का है, चाइना के जितने नेबर्स के साथ ट्रेड है उसकी वजह से सारा चाइना का नेबरहुड उठ गया है। तो ट्रेड तो ये तो दुनिया बताती है, यूरोपियन यूनियन के अंदर जब सारे ये मुल्क शामिल हुए सबकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर चली गई। तो हम इतनी बड़ी मार्केट्स के पास बैठे हुए हैं, एक तरफ चाइना है, ये है सेंट्रल एशिया है, इंडिया है, ये एक अगर ये इशू हम हल करते हैं तो सारे बड़े शरीर को इसका फ़ायदा होता है। और मेरा पर्टिकुलर इंटरेस्ट ये है क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी उसके गरीब लोग होते हैं, और हमारी पूरी वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं। और वेलफेयर स्टेट तब बनेगी जबकि वेल्थ क्रिएशन होगी, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होगा जो हम फिर अपने निचले अवाम पे खर्च करेंगे। तो मेरा तो ये इंटरेस्ट है, मैं आपको अभी भी कहूँ कि हमारी कोशिश ये रहेगी और हम कोशिश करते रहेंगे कि हम डायलॉग के ज़रिए अपने मसले हल करें। और उसमें कश्मीर का मसला, मेरी अगर हम ओवरऑल इसको बड़ी पिक्चर देख लें तो ये एक्चुअली मसला हल हो सकता है। मिस्टर मोदी एंड वी हैड अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन, बट देन आई यू नो देन वी नो द रेस्ट इज हिस्ट्री। Foreign Secretary could tell me about this because I'm not clear about this. We still have within our legislation 1948, which allows us to implement UN Security Council resolutions. So that does provide the chapeau. So legally, there is no lacuna, and of course, all parts of the legislation is being looked at. From NDTV, it's actually a follow-up to some of the questions as well. But a lot of my colleagues who are here, some of them also came 20 years ago. India's position has been that, you know, it is a gesture, which the Kartarpur is a great peace gesture, but time and again, India's been let down. A lot of people came 20 years ago with the bus diplomacy, and we saw Kargil after that. Is there any kind of, how do you get that trust, you know, fix that trust deficit that is there? Could it also, part two of my question is, could it also, don't you think that something like a lot of the people who want, like Dawood Ibrahim, he's been acknowledged, India believes, and they have given evidence constantly of where he is. Couldn't a grand gesture be, and wouldn't that be a direct road to peace, to hand over someone who's an international wanted terrorist like Dawood Ibrahim? Main jab bhi, इंडिया भी गया हूँ कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर, और जब ज़्यादातर कोई भी इंटरव्यू भी देता हूँ इंडिया के अखबारों को, चैनल्स को, हमेशा बात इधर ही आके फंस जाती है कि माजी में ये हुआ। मैंने कल यही वाजे किया था कि आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, दुनिया में कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो माजी को सिर्फ सीखने के लिए रखे। माजी में इंसान रहता नहीं है, यू डोंट लिव इन द पास्ट, यू जस्ट लर्न फ्रॉम इट। हमारे माजी ने हमें सिखाया क्या है कि इस जंग ने जब जो भी हमारी कॉन्फ्लिक्ट है उसने सिर्फ और सिर्फ एक एम्पेडमेंट बनाया है इस खत्ते को आगे बढ़ने से। जो इस हम सब कॉन्टिनेंट की तारीख जानते हैं उनको पता है कि आज से 300 साल पहले ये दुनिया का सबसे अमीर इलाका था, और आज दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब गुरबत है इस सब कॉन्टिनेंट में। अब हम ट्रैप हो सकते हैं पास्ट में और हम वही चीज़ें रिपीट करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत दोनों तरफ बड़े हैं इश्यूज। ये जो पंजाब का बॉर्डर है, जो कत्लेआम इस बॉर्डर के ऊपर हुई थी 1947 में, शायद ही दुनिया में इस तरह की बुचरी हुई हो जो इस बॉर्डर पे हुई थी। और मैं बड़ा हुआ था 5 साल पाकिस्तान के बढ़ने के बाद, और जितने भी लोग मेरे इर्द गिर्द थे वो सारे जो भी उधर से आए थे उन्होंने फैमिलीज किसी की के इनके रिश्तेदार कोई ना कोई उनके पास हॉरर स्टोरी थी बताने की, और बड़ी देर तक नफरत थी हिंदुस्तान से। आहिस्ता आहिस्ता मैं जब पहली दफ़ा खेलने गया क्रिकेट हिंदुस्तान में तो चेंज हुआ मैं, और हम आहिस्ता आहिस्ता चेंज हुए। और ये करतारपुर ये जो कल इवेंट था, ये याद रखिए इस सारे बॉर्डर पर जिस तरह की ब्लडशेड हुई थी 70 साल पहले, और जिस तरह का अब चेंज आ गया है, जिस तरह की लोगों की एटीट्यूड, जिस तरह की एक दूसरे को एक ब्रदरहुड सी नज़र आई है, तो इसी तरह कौमें आगे बढ़ जाती हैं। अच्छे बुरे टाइम होते हैं, आप सीखते हैं, आप रियलाइज करते हैं और आप आगे बढ़ते हैं।
हम बार बार वहाँ फंस जाते हैं आके कि आपने ये किया। यहाँ आपको पूरी लिस्ट में बता दूंगा जो हम सब समझते हैं कि जी हिंदुस्तान ने हमारे से जुर्म किया, उधर जाते हैं तो वो पूरी लिस्ट दे देते हैं। और इसी में मुझे पिछले 30 साल से मैं यही देखता हूँ कि हम वी ऑलवेज कम बैक टू द जीरो सम गेम। सो मेरा लास्ट पॉइंट यह है कि देखें इस ये वो दुनिया का हिस्सा है जो बहुत गेन कर सकता है पीस। आपके लिए हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, इस वक्त बड़ा जीडीपी है, ग्रोथ रेट बेहतर है, लेकिन हिंदुस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है इस अमन से। पाकिस्तान इससे अलहदा गेन कर सकता है, लेकिन ये कभी भी वन साइडेड कोशिश नहीं चलेगी ज़्यादा देर। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चले इलेक्शन तक मान लिया, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान को भी रिस्पॉन्ड करना है। और हम फिर अगर ये गवर्नमेंट के अंदर ट्रस्ट टूटता है तो फिर बात करें। मैं अब माजी का तो नहीं जवाब दे सकता कि जी माजी में ये हुआ तो मैं अब सारे माजी का जिम्मेदार हूँ, वो तो मैं नहीं कह सकता। मैं ये कहता हूँ कि हम जब एक दफ़ा अग्रीमेंट्स करेंगे फिर मेरे से बात करें कि मैं अगर किसी अग्रीमेंट से पीछे हटता हूँ। और मैं यकीन करें मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि जी मैं तो आपके साथ था लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने बात नहीं मानी। इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पॉलिटिकल लीडरशिप और गवर्नमेंट सब एक पेज पे हैं।